हे गाइस, मेरा नाम दीपक है। ये घटना मेरे और मेरे दोस्त के साथ आज से 2 साल पहले हुई थी। मैं तब 23 साल का था और ये मेरे कॉलेज का फाइनल ईयर था। मैं नहीं जानता कि उस रात हमने ये बेवकूफ़ी क्यों की। मेरा दोस्त अमित एक यूट्यूबर था, उसके चैनल पे 50K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। हम दोनों को घूमने का बहुत शौक था, तो हम निकल गए भानगढ़ के लिए। हमारा कॉलेज चंडीगढ़ में था, तो करीब 8 घंटे ड्राइव करके हम राजस्थान पहुंच गए। हम जब होटल पहुंचे तब तक शाम हो गई थी। मैंने और अमित ने डिनर किया और वहां के लोकल लोगों से भानगढ़ के बारे में पूछने के लिए बाहर निकले। हम लोगों ने वहां पे बहुत से लोगों से भानगढ़ के बारे में पूछा। हमें कईयों ने ये बोला कि भानगढ़ भूल कर भी मत जाना। मैं ये सब सुन के थोड़ा बहुत घबरा गया था, जबकि अमित ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश हो रहा था एंड उसके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट की झलक दिख रही थी। ये सब होने के बाद हम लोग आग के सो गए। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो टाइम 8:30 हो रहे थे। मैं फटाफट से बाथरूम की तरफ शावर लेने भागा। अमित मुझे इतना हड़बड़ी में देख बोला, भाई इतनी हड़बड़ी में क्यों है? मैंने बोला कि भाई तूने बोला कि हम भानगढ़ 9 बजे जाएंगे और टाइम 8:30 हो रहे हैं। लेट हो गए तो तू मुझे ही गालियाँ देगा। अमित इस बात पे हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि भाई हम रात के 9 बजे जाएंगे। ये सुनते ही मैंने उसे बोला कि भाई तू जानता है ना, भानगढ़ इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड जगह मानी जाती है। अमित ने बोला, एग्जैक्टली मेरे भाई, इसलिए तो हम रात को जा रहे हैं। सोच, जब लोग हमें भानगढ़ में नाइट स्टे करते हुए देखेंगे तो उन्हें कितना मज़ा आएगा। मैंने उसे कहा, फाड़ में गया मज़ा, मैं तो वापस चंडीगढ़ जा रहा हूँ। अमित ने मुझे जैसे तैसे मना लिया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम 7 बजे अपने होटल से अपनी कार में भानगढ़ के लिए निकल गए। करीब 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद हम भानगढ़ किले के सामने खड़े थे। किले पे पहुँचते ही अमित ने अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग शुरू की। चारों तरफ सन्नाटा था, वहाँ पे सिर्फ अमित की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अमित वहाँ खड़ा चांदनी रात में बस उस डरावने किले की बातें करा जा रहा था। तब तक मैं कहीं से आवाज़ आई, कौन है वहाँ? वो किसी 40 से 45 साल के आदमी की आवाज़ लग रही थी। अमित हैरानी से मेरी ओर देखने लगा। तभी अचानक से एक आदमी हाथ में लालटेन लिए हमारे सामने खड़ा हो गया। वो दिखने में थोड़ा खड़ूस सा था। उसने धोती पहनी हुई थी और उसके ऊपर एक कपड़े से अपने आप को ढका हुआ था। उसका एक हाथ तो हमें दिख रहा था, पर दूसरा हाथ उसने पूरी तरह ढका हुआ था। माँ की शांति तोड़ते हुए अमित ने उस आदमी को रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो उस आदमी के पास जाके रिकॉर्ड करने लगा। उस आदमी ने अमित को ज़ोर से धक्का दिया और बोला, तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। फिर वो कहीं अंधेरे में गायब हो गया। अमित बोला, क्या पागल आदमी था भाई ये। मैं बोला, चल भाई चलते हैं यहाँ से। कम ऑन दीपक, अब इतना भी मत डर, अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ ना तेरे साथ, अमित बोला और मुझे खींचते हुए अंदर ले गया। वहाँ बहुत अंधेरा था। अमित ने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई। ऐसा करने के लिए जब उसने अपना फ़ोन उठाया तो मेरी नज़र उसके फ़ोन पर गई। टाइम 8:50 हो रहे थे। हम वहाँ बेवकूफ़ों की तरह रात बिताने के लिए एक जगह ढूंढते रहे। फाइनली हमें एक अच्छी जगह मिल गई। हमने अपना मैट वहाँ बिछाया और उस पर बैठ गए। अमित अपने बैग में से कुछ निकालने लगा। उसने जैसे ही वो चीज़ निकाली, मैं समझ गया कि ये मेरी फेवरेट चिकन बिरयानी है। उसने वो डब्बा मेरी ओर बढ़ाया और बोला, ले भाई खा ले, क्या पता ये हमारा आखिरी डिनर हो। जब उसने ये बात बोली तो मैं उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। वो मुझे देखते हुए हंसने लगा। उसे हंसता देख मुझे भी थोड़ी हंसी आ गई। फिर उसने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, भाई तू कितना अच्छा है, तू मेरा सारा कहना मानता है। हम दोनों ने अपना डिनर किया और वहाँ पे जितना कुछ हमने फैलाया था वो सब समेट दिया। रात के करीब 1:30 रहे थे। मुझे अमित ने उठाया और बोला, भाई मुझे वॉशरूम जाना है। मैं जाने के लिए पहले तो हिचकिचाया, बट 2 सेकंड में मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं भानगढ़ में हूँ
और वो भी इतनी रात को। मैं झट से खड़ा हुआ और बोला, चल तुझे जहाँ चलना है वहाँ चल। वो मुझे अंधेरे में पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा था। मैं अपनी नींद से पूरी तरह नहीं जागा था। करीब 5 मिनट चलने के बाद मुझे किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, दीपक। मैं उस आवाज़ को तुरंत पहचान गया। मैं जितनी देर चला मैं उतनी देर नींद में था। मैं अचानक से होश में आया। जब मैंने अपने सामने देखा तो वहाँ पे वही आदमी जो हमें किले के मेन एंट्रेंस पे मिला था वहीं खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। अब उसका दूसरा हाथ भी नहीं ढका हुआ था। लालटेन की रोशनी में जब मेरी उसकी हाथ पे नज़र गई तो मैं दंग रह गया। उसका ऊपर का आधा शरीर ख़त्म था, उसका बस कंकाल ही दिख रहा था। मैं ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से अमित की तरफ भागा। जहाँ हम लोग सो रहे थे वहीं पे अमित घबराया हुआ खड़ा था। मैं उसके पास पहुँचा और बोला, भाई चल यहाँ से। उसकी नज़रें एक जगह टिकी हुई थी। उसने एक जगह इशारा किया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पे बहुत सारी लाशें थी। हम दोनों वहाँ बिना कुछ सामान लिए बस निकल गए। 2:30 बजे के करीब हम अपने होटल पहुँच गए। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है।